भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी लगातार जहां एक तरफ किसानों, महिलाओं, युवाओं से मिल रहे हैं, तो वहीं इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक बार फिर से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। जिसमें एक युवक राहुल गांधी से मुलाकात करता है और अशोक गहलोत की तरफ देखकर राहुल गांधी से बातें करता है या कुछ कहता दिखाई देता है, जिसके बाद सियासी गलियारों में सभी इस वीडियो को लेकर अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं या फिर अपना दुख सुख जो है वो राहुल गांधी से बांट रहे हैं, पता नहीं। लेकिन अशोक गहलोत के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है जब राहुल गांधी युवा से बात करते हैं और फिर अशोक गहलोत को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं वो तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत ही जानते हैं, लेकिन इन दिनों सियासी गलियारों में राहुल गांधी अशोक गहलोत को बहुत कुछ कहते दिखाई देते हैं। इस बात की सुर्खियां हर तरफ है। लगातार ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर तस्वीर और वीडियो बहुत कुछ बयां कर देते हैं और सियासत में तस्वीरें ही तकदीरें बनाती है और बदल भी डालती है। क्योंकि आप इस वीडियो का दूसरा पहलू देखेंगे तो पाएंगे कि राहुल गांधी से मिलने के बाद चर्चाओं में युवाओं के चहेते कह जाने वाले सचिन पायलट से ये युवक किस तरह से भाव विभोर तरीके से मुलाकात करता है वो भी देख लीजिए। लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से क्या राजस्थान के सियासी संकट यात्रा का अंत होगा। क्योंकि सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के मजबूत गढ़ में दरारें क्यों हैं और इन दरारों को भरने का क्या तरीका है, इसका समाधान राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के रहते नहीं निकाल पाए तो वो दिन दूर नहीं जब 2003, 2013 के बाद 2023 का आंकड़ा भी बीजेपी का हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।